हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इशिता, कृतिका, लावण्य, मोक्ष, प्राजक्ता, प्रेम, संकेत, सेजल, निखिल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग केत, गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। ओके, थोड़ा कल का रिवीजन हो जाए। एक दो मिनट में हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कल। बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा टॉपिक, चट्टान जितना बड़ा टॉपिक, उसमें से पोटेंशियल एनर्जी पिक किया हम। सो लेट्स क्लाइम द पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट रिवाइज करेंगे हमने। पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा था दो तीन पॉइंट इसमें याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बताते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेने का। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में बताया है, और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस्तेमाल किया है इसका डेरिवेशन करने के लिए। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने बताया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका यूनिट वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसका यूनिट जूल। तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो नेगेटिव वर्क डन होता है, एक्सटर्नल एजेंट करेंगे तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। ठीक है, तो हमने लिया पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करवाने के लिए हमने कहा कि दोनों पहले इंफिनिटी पे, दोनों चार्जेस कहाँ है, इंफिनिटी पे है, और इंफिनिटी से पहले Q1 यहाँ लेके आएंगे, फिर Q2 को यहाँ लेके आएंगे। जब मैं Q1 यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा तो कुछ वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के अगेंस्ट मुझे इसे लेके नहीं आना है, कोई चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो वर्क डन टू ब्रिंग इन Q1 फ्रॉम दिस इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पोजिशन इज जीरो। सो Q2 जब लेके आएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी टू दैट पी पॉइंट। क्यू वर्क डन होगा क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें लेना है, तो जो वर्क डन होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल हमने लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्यू। वर्क डन लिखना है मुझे तो डेल्टा वी इनटू क्यू लिखेंगे। डेल्टा वी पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है, वीपी माइनस वी इंफिनिटी। ओके, वी इंफिनिटी पे पोटेंशियल होता है जीरो और वीपी होता है के आर। सो के Q1 बाय आर और ये बाहर Q2। इस तरीके से पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम इज के Q1 Q2 अपॉन R। फिर यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, वी हैव टेकन द फोर बॉडीज, इस तरीके से रखी है ये बॉडी, और यहाँ पे हमने पूछा कि ये पूरे सिस्टम का पोटेंशियल बताओ। तो हमने कहा कि पेयर बना दो, ए बी एक सिस्टम है, ए डी एक पेयर है, डी सी एक पेयर है, बी सी एक पेयर है और ए सी एक पेयर, उनके साइन के साथ लगा दिया मैंने। देखो सी वाला माइनस चार्ज है, सो ये कट हो गए प्लस माइनस, ये दो बचेंगे, यहाँ से डिस्टेंस रूट टू है, ये ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ए और ए डिस्टेंस। सो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या यहाँ पे आ गई। तो सेक्शन हमने किया एंगल का, ये ट्रायंगल के मैंने पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, सबको ऐड कर दिया और जो है वो 3KQ² A। और एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल मिल जाए। अच्छा सर, आपको वो PDF आया था? चल और एक एग्जांपल। हेलो सर, मिल गया मुझे, मिल गया ना? नहीं, क्योंकि पेंडिंग मिला था। यस, आई गॉट योर PDF। वो मैं मैन्युअली मुझे करना पड़ेगा पेंडिंग के बाद भी। ओके प्रेम का भी आ गया है, अन्ना का भी आ गया है और अनुराग तेरा नहीं आया, अटैच नहीं हुआ लगता। मैंने तो किया था, मैंने तो ग्रुप पे भी डाला मैसेज कि वापस से कोई फिर से कर ले, से एक बार अटैच कर ले। एक क्वेश्चन, आज की डेट है 3 जुलाई 2020,
आपने सिस्टम में दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके ऊपर Q, Q और Q ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं. दिस साइड इज 2A, दिस साइड इज 2A, दिस साइड इज 2A. ठीक है, इसको हमने दबा दिया, दबोच के कर दिया छोटा. ये हो गया चार्ज तो वही है Q, Q, लेकिन डिस्टेंस हो गया A. ठीक है, इस सिस्टम को हमने नजदीक लाया A डिस्टेंस पे. तो हमें पूछा है वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दिस कॉन्फिगरेशन. This is A configuration, this is B, A to B. Options hai, 5 by 2, KQ square by A, B by 2, KQ square by A, minus 5 by 2, KQ square by A, and option B, minus 3 by 2, KQ square by A. तो पहले 2a डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन दिस चार्जेस, बाद में हो गया सेपरेशन a. फॉर्मूला क्या हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में ही ये सॉल्व होगा. यहाँ पे ऐसे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं कि ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में तुम सॉल्व करो. सीधा सीधा पूछा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन द कॉन्फिगरेशन, वो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा चार्जेस वगैरह रखे है क्या, वर्क डन फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी बताओ. कोई दूसरा तरीका है नहीं इसे सॉल्व करने का. सो हम कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए, स्मॉल बी लिया है तो स्मॉल बी लेते हैं. यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये डिराइव करते वक्त हमने लिखा. ठीक है, तो वर्क डन चाहिए तो यू बी माइनस यू ए. यू बी कितना है, यू बी इज द वर्क डन फॉर दिस सिस्टम माइनस सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. फाइनली कहा है हम बी पे हैं और इनिशियली कहा पे तो हम ए पे. सो पहले तो यू बी निकाल लेते हैं और यू ए निकाल के उसे सब्सटीट्यूट करके हम आंसर को सबमिट कर लेंगे. यू बी क्या होगा, यू बी क्या होगा, इसका पेयर, इसका पेयर और इसका पेयर की एडिशन. क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू वन क्यू टू के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए. तीन बार क्यों लिया था सर, ये एक ये एक ये एक. ठीक है, तो बी कॉन्फ़िगरेशन का मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल गया. ए कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, यू ए KQ square by 2A plus KQ square by 2A plus KQ square by 2A. ठीक है, तो ये कितना हो गया 3KQ square by A, ये हो गया 3KQ square by 2A. ऊपर सब्सिट्यूट करते हैं, ऊपर ऊपर इन दी एयर, यहाँ पे ये यहाँ पे
So UB minus UA is work done. By external agent, UB is 3 KQ square by A minus 3 KQ square by 2A. This is our work done by external agent. कितना आंसर है ये? KQ square by A common अंदर बचेगा 3 KQ square by A common है ये 1 minus 1 by 2. ठीक है, so यार है 3 by 2 KQ square by ये कितना आता है 1 by 2. So ये हमारा आंसर रहेगा. प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है. सर अशा स्टेपचे अजून एक दोन करू शकता का? काय म्हटलं? सर अशा स्टेपचे एक दोन अजून करू शकता? करू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही त्याला. ट्रायंगल की जगह पे स्क्वेअर ले लेंगे, पेंटागॉन ले लेंगे. होमवर्क में दे देता हूँ, चलो ऐसा करो. दिखाइए ना सर, दो मिनट. लिख लो अच्छे से और ये होमवर्क में करो. ये क्यू, ये माइनस क्यू ले लो, ये माइनस टू क्यू ले लो और ये माइनस क्यू ले. टू ए, ये टू ए, this is 2a, this is 2a. आली का हो सर? मुग्धा ऍप इंस्टॉल नाही केला अजून तो? सर मी केला पण मला ओटीपी येत नाही. नंबर चुकीचा टाकला नाही, सगळे ट्राय कर. ओटीपी येत नाही. मैं एक काम कर, ऍप अन हो मतलब जब तुम इसका पेयर करोगे क्या कर लिखना है तुम्हें? रुको, चलो हो गया, क्या करो? हो गया ठीक, चलो ये कर लेना. क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसके ऊपर और वो मैं डीपी में डाल दूंगा. अभी करना है हमें पोटेंशियल. ठीक है, डायपोल पे है हम, डायपोल पे है हम. ठीक है, हमने अब देखा पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखो मत,
we have seen the potential energy. General potential energy देखी, वो आई के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर. इसके पहले जो चल रहा था, क्या चल रहा था इसके पहले, हम डायपोल की बात कर रहे हैं. डायपोल का क्या देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड देखी ना डायपोल की, ये पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे और किसी एंगल पे आर थीटा पे डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी. फिर हमने डायपोल का टॉर्क देखा, मतलब जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, इसके ऊपर लगने वाला था. स्टेबल अनस्टेबल की बात की हमने, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हमने बात की, ठीक है. अच्छा, तो अब इसके अंदर डायपोल की और दो कुंडलियां निकालने बाकी है. एक कुंडली बाकी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, इसलिए मैंने अभी डायपोल पोटेंशियल एनर्जी कवर किया. डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी देखना बाकी है, डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखना बाकी है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है. सो हम डायपोल का ना पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं आज, और कल के लेक्चर में हम उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाले, ठीक है. सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है डायपोल का, टॉर्क निकाल लिया है, स्टेबल अनस्टेबल की बात कर ली है, कल हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे डायपोल का, मतलब दो तीन डेरिवेशन आएंगे, और कल डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे. मतलब ये जो फॉर्मूला नॉर्मली चार्ज पार्टिकल के लिए है, तो वो डायपोल के लिए क्या बनेगा, ठीक. चलो पूछो, क्या पूछ रहे हो सर. आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के क्वेश्चंस डाले थे ना डीपीवी में. हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ. तो मैंने वहां पे स्टार किया था ना, इक्वेशन हमने क्लासरूम में किया था कि ये डायपोल का पोटेंशियल निकालना बाकी है, तो मैं कवर कर लूंगा. हाँ. तो वो घड़ी आ गई है दोस्तों. सर स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पीडीएफ आता ना आपको, मैं आज तक तो स्टेबल अनस्टेबल और डायपोल के भी क्वेश्चन आज डाल देता हूँ मैं. आप डायपोल के क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन, स्टेबल अनस्टेबल के क्वेश्चन. स्टेबल अनस्टेबल क्या है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक दो क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर. चलो हेडिंग लगा, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक. तीन केसेस करेंगे हम, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजिशन के लिए और एनी जनरल पोजिशन के लिए तीन फॉर्मूला ऑफ डेरिवेशन है. सबसे पहले इसके साथ डील करते हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल बनाओ, बढ़िया सा डायपोल, क्यूट सा डायपोल, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये रहा डायपोल. डायपोल का सेंटर से जनरली डिस्टेंस बताते हैं, यहां से ये एल, हियर एल, और यहां पे हम लेते हैं कोई पॉइंट पी, ठीक है. डायपोल के एक्सिस से डिस्टेंस उसका एक्स, पूरी स्टोरी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चलेगी यहाँ, एट अ डिस्टेंस एक्स हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक. पोटेंशियल तो खैर स्केलर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिस्कशन किया था मैंने, क्या किया था मैंने, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमें मिला था इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डायपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल का डायरेक्शन सेम होगा, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक, वो स्केलर क्वांटिटी. सो हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस क्यू एट पी प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस क्यू एट पॉइंट पी. सीधा सीधा एड करेंगे और एक गर्मा गर्म फॉर्मूला में मिलेगा. So net potential at P equals to potential due to minus Q
प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. ठीक, तो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर. पोटेंशियल एनर्जी का होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर. इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर. सभी सेम दिखते हैं. तो माइनस क्यू के कारण हो जाएगा ये फॉर्मूला माइनस के क्यू अपॉन आर. डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, एल प्लस एक्स. पी तक का दूरी माइनस क्यू से, ये डिस्टेंस कितना होगा, एल प्लस एक्स. तो लगा दो नीचे एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स. देखो जब भी स्केलर क्वांटिटी लेंगे ना वो चार्ज के साइन के साथ लेते हैं या उसके साइन के साथ. ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते तो उसके साइन के साथ नहीं लेते हम, उसका डायरेक्शन देखते. प्लस वी क्यू मतलब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से, ये डिस्टेंस हमने सेंटर से एक्स लिया है, ये एक्स में से एल को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल लेफ्ट विद दिस डिस्टेंस. सो दिस इज के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल. सो दिस इज अवर नेट पोटेंशियल. ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, के क्यू को बाहर, अंदर रहेगा माइनस एल प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस एल. सॉल्व करेंगे माइनस एक्स प्लस एल प्लस एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एल प्लस एक्स एक्स माइनस एल. ये चला जाएगा KQ 2L divided by L plus X को X plus L भी लिख सकते हैं plus में, तो ये X minus L. ठीक है, तो वो बन जाएगा X square minus L A plus B into A minus B is this. This is the net potential. इसको थोड़ा सू इंटू टू एल इज डाइपोल. सो के इंटू पी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. सो दिस इज अवर ब्यूटीफुल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट. अब इसके अंदर भी कंडीशन लगा देते हैं. जनरली होता क्या है, जनरली होता क्या है, एक्स जो है मतलब जो हमारा पॉइंट पी है हमारे डायपोल से काफी बड़ा होता है. ये नन्हे मुन्ने डायपोल छोटे बेबी जैसे, इतने से एक्स काफी दूर है. रेजिस्टेंस अगर ये मिलीमीटर में है, ये मीटर में ले लेते हैं डिस्टेंस. बिकॉज ऑफ दैट नेट पोटेंशियल और भी आसान हो जाता है. इसको मार दो गोली, देखो फॉर्मूले को, के पी अपॉन एक्स को. टू फॉर्मूला चैप्टर में बहुत अच्छी सिमिलैरिटी है, मतलब हर फॉर्मूले में सब एक जैसे दिखते हैं. माया जाल है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक. सर आप वो फिगर से क्या बता रहे हैं, वो मीटर्स में होता है या एमएम में होता है ऐसा कुछ? हाँ, मतलब इसका जस्टिफिकेशन कि ये क्या है, द डिस्टेंस एक्स इज बिगर कंपेयर टू एल. एल क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस. तो डायपोल का डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन द डायपोल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल. सर वीआईटी ट्रिपल ई साठी सेम सिलेबस असतो ना जेई सारखं? हां सिलेबस सेम रहता है लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं होती जितनी जेडब्ल्यू होती, और इतनी आसान भी नहीं होती जितनी सीईटी होती. तो बीच नीट लेवल की. हां नीट लेवल राइट.
टेक्निक लेवल के बोल सकते हैं। कोई मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि हम इसके साथ लिख सके चीजें याद रहेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट, ढूंढ के बताओ क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट सर 2kp अपॉन x क्यूब पॉइंट। पक्का? एक्सियल पॉइंट का वो था, केपी अपॉन एक्स क्यूब इसका था इक्वेटोरियल पॉइंट का। इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो साथ ही साथ ऐसे याद है सर। और यहाँ पे रिलेशन हमें क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह। सो व्हाट यू कैन से, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। दिस इज ओनली फॉर डायपोल, दिस हैपेंस ओनली फॉर डायपोल। ग्राफ भी पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, कोई ज्यादा ग्राफ नहीं पूछेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ पूछेंगे। एक्स जो हमने लिया है ना सेंटर ऑफ द डायपोल से, पोटेंशियल ऐसे जाएगा। ग्राफ भी याद रखो। चलो मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। हर्षवर्धन प्रेजेंट सर, इशिका, इशिता यस सर, ओके, कृतिका, लावण्या, मोक्ष प्रेजेंट सर, यस सर, लावण्या प्रेजेंट सर, मुग्धा, निखिल, पराग प्रेजेंट सर, प्राजक्ता, प्रसन्ना, प्रेम, संकेत प्रेजेंट सर, सेजल, वैष्णवी, विनीता यस सर, ठीक, ऑल राइट। सेकंड डेरिवेशन, सेकेंड केस बनाओ फटाफट से। अभी केस टू, जहां पे हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजिशन। सो वी हैव टेकन दिस डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, दिस टाइम वी आर कीपिंग द डायपोल, कीपिंग द पॉइंट पॉइंट ये, यहाँ पे ये पी पॉइंट रखते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम बताएंगे, द डिस्टेंस इज एक्स, ओके। अभी हम वीएम निकालेंगे, वीपी निकालेंगे। वीपी इज इक्वल्स टू वी ड्यू टू माइनस क्यू प्लस वी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अभी हमें ये डिस्टेंस लगेगा, वी नीड दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये एल और ये एक्स अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर को। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू के इनटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट पी एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ L square plus x square plus, because of positive charge, K into plus Q divided by
एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट हो गया पोटेंशियल एट पी विच इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज जीरो. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना था? Kp upon x cube. डायरेक्शन कैसा था इसका? विथ डायरेक्शन माइनस आई कैन अपोजिट टू द डायपोल एक्सियल पॉइंट पे सिमिलर टू द डायपोल इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपोजिट टू द डायपोल. यहाँ पे हालांकि बात पोटेंशियल की हो रही है, पोटेंशियल कितना है? जीरो. सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ सर. चलो आगे तीसरा डेरिवेशन करेंगे. एक मिनट दीजिए. हाँ सर. At any general point, at any general point, r comma theta wala. Dipole laga do pehle, chota dipole, minus q, plus q. किसी स्पेस में कोई पॉइंट ले लिया हमने P, जिसका अंतर सर वो आर कॉमा थीटा है ना? यस, आर कॉमा थीटा है. ये एंगल थीटा और ये डिस्टेंस R, ठीक है. डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उसी से हमें एंगल थीटा मेजर करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये बात हमने डिटेल में की थी. अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तरीका था वैसे ही आप क्या करेंगे, हम ये जो डायपोल है, डायपोल को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में. एक तो अलोंग दिस पॉइंट पी और एक परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट पी, ठीक है. तो एक कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट होगा डायपोल का ही, ये क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा. एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा. तो पी कॉस थीटा, P cos theta और P sin theta, ठीक है. P cos theta इधर आएगा ना, P cos theta इधर आएगा along this और इसके perpendicular P sin theta. Okay. Original P कहाँ था? This was original P. देखो यहाँ पे. अबे P sin theta के लिए point P कैसा है? Axis पे है, इसके axis पे है. और P cos theta, P cos theta के लिए एक्सिस पे है, और P sin theta के लिए पॉइंट P कैसा है? इक्वेटोरियल पॉइंट है. ये सोचते हुए हमने इसको, ये P था ओरिजिनल डायपोल मोमेंट, उसके हमने दो पार्ट किए, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट P sin theta और दूसरा P cos theta. P cos theta, ठीक है. इसको सेपरेटली आ दिखाएंगे. ये हमारा पॉइंट P. सो एक डायपोल के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया P sin theta, दूसरा P cos theta, ठीक है. So net potential at point P is equals to because of P sin theta plus because of P cos theta. हालांकि है ये एक ही डायपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू का इस डायरेक्शन, इसके हमने दो कंपोनेंट्स ले लिए P sin theta एंड P cos theta. क्यों ऐसा किया? क्योंकि अभी देखो ये पॉइंट P के लिए ये वाला जो डायपोल है
वो किस पॉइंट पे है? सो जो पी साइन थीटा के लिए जो पी पॉइंट है वो किस पॉइंट पे है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे. पी कॉस थीटा डायपोल के लिए पॉइंट पी किस पे है? एक्सियल पॉइंट पे. और दोनों का हमने जस्ट डेरिवेशन किया है. सो वी पी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू वी पी साइन थीटा. इक्वेटोरियल पे अभी देखा वो होता है जीरो, लिख दिया जीरो. प्लस वी पी कॉस थीटा. कॉस थीटा का कारण कितना होगा? कौन सा पॉइंट है ये? एक्सियल. एक्सियल पॉइंट पे कितना है अभी हमने निकाला? एक्सियल पॉइंट पे देखा हमने के पी अपॉन एक्स स्क्वायर. बस यहाँ पे पी के जगह पे पी कॉस थीटा रख दें. सो इट विल बी के पी कॉस थीटा अपॉन डिस्टेंस कितना है आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो दिस इज द पोटेंशियल के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये वाला एक न्यूमेरिकल में हमने यूज किया था जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल थी. यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया था. एक बार बताएंगे वो जीरो कैसे हो गया? जीरो ये ऊपर किया ना हमने जो सेकेंड डेरिवेशन किया. यहाँ पे ये जो पी पॉइंट था, पी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट था. इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया हमारा? जीरो. वैसे ही पी साइन थीटा इस डायपोल के लिए ये पॉइंट पी कैसा है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे. तो बिकॉज ऑफ पी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ डायपोल पी पे पोटेंशियल जीरो. पी कॉस थीटा कैसा है? उसके अलोंग द एक्सिस है. एक्सिस के लिए जो डेरिवेशन किया था हमने के पी बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. मतलब ये थर्ड वाला जो डेरिवेशन है फर्स्ट और सेकंड का कॉम्प्लिकेशन हो गया बेसिकली. हाँ, फर्स्ट सेकंड का ये किया कॉम्बिनेशन से. हो गया. इसके ऊपर तो थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. जो क्वेश्चन बना था वो हमने ऑलरेडी कर लिया है. ठीक है, क्या क्वेश्चन बना सकते हो तुम? ऊपर डीपीपी का बहुत आसान क्वेश्चन हो तो अच्छा वाला क्वेश्चन बनाते हैं हम. क्वेश्चन देखो, पहले तो चार्जेस है. हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, पोटेंशियल के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे. इक्वेटोरियल पे कितना, एक्सियल पे कितना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, छोटे से क्वेश्चन है. क्वालिटी क्वेश्चन करते हैं. दो चार्जेस गिवन है, Q1 Q2 इनिशियली ऐसा कुछ डिस्टेंस थे इनके बीच में. ये x इज इक्वल्स टू जीरो पे रखा है, मतलब ये ऐसा एक्सिस बनाया है, x एक्सिस, y एक्सिस, और इसका पोजीशन है x इज इक्वल्स टू 1 पे. Q1 का चार्ज दिया है -1 माइक्रो कूलम. और Q2 के ऊपर चार्ज दिया है +1 माइक्रो कूलम. तभी तो डायपोल बनेगा. दीज आर द टू डायपोल्स Q1, एक ही डायपोल है Q1 और Q2 से. ये इनिशियल पोजीशन है. फाइनली
उसके बीच का डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, एक चार्ज हमने इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, Q1, Q2, और एक Q3, ये x is equals to zero position, ये x is equals to one, और ये क्या दिया है, x is equals to two, Q1 point, Q2 point, Q3 point. Q1 है माइनस वन माइक्रोकूलम, Q2 का कितना था प्लस वन माइक्रोकूलम, एंड Q3 जो तीसरा चार्ज हम लेके आए हैं प्लस वन माइक्रोकूलम का इसके पास लेके आए, ठीक है। जब A सिचुएशन से हम B सिचुएशन गए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना, दिस इज सिचुएशन A, दिस इज सिचुएशन B, फाइंड वर्क डन, by external agent char options 3 into 10 to the power minus 3 joule, 4 into 10 to the power minus 3 joule, option C 4.5 into 10 to the power minus 3 joule, 3.5 10 to the power minus 3 joule. पहले क्या करोगे, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सबट्रैक्ट कर दो, फॉर्मूला बताओ क्या कर पाओगे, external work done is equals to u final minus u initial, this is u final minus this is u initial, check karo batao mujhe answer, इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, ये जो थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्स इज इक्वल्स टू टू, चलो भाई प्रेम पटेल हेल्प कर मुझे यू इनिशियल निकालने में, यू इनिशियल कैसे निकालेगा तू, चल अनुराग तू हेल्प कर मुझे, क्या सर क्या फॉर्मूला है, के क्यू वन यू इनिशियल कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाय क्यू टू अपॉन आर, ये तो फॉर्मूला है, Q1 कितना है माइनस वन, Q2 कितना है प्लस वन, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना है वन, ठीक है,
पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप की होती है, सिस्टम की होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम। पोटेंशियल की बात नहीं चल रही, पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इनका पेयर एक, एक दो और ये तीन, ठीक है। तो Q1 और Q2 के कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना इनके बीच में वन प्लस दूसरा Q2 और Q3 के बीच में के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है वन प्लस Q1 और Q3 के पेयर के Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा टू। तो यू फाइनल के चार्जेस पुट कर लेते हैं के Q1 कितना है माइनस वन इंटू ये वन डिवाइडेड बाय वन प्लस Q2 कितना है Q2 इज प्लस वन बाई Q3 कितना है प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के Q1 एंड Q3 माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन इंटू प्लस वन इज माइनस वन। सो यू फाइनल बन जाएगा माइनस के प्लस के माइनस के। ओके तो कितना हो गया ये यू फाइनल इज इक्वल टू के। यू इनिशियल कितना है माइनस के। उनके चार्जेस भी लिखने पड़ेंगे ना 10 टू द पावर माइनस 6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 क्योंकि आंसर जूल में पूछा है और चार्जेस दिए माइक्रो कूलम में। तो हर किसी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो फाइनल आंसर में कितना होगा माइनस 12 और इसके भी आंसर में फाइनली माइनस 12 हो जाए। टू समराइज यू इनिशियल मिला मुझे के इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। माइनस 12 क्यों मल्टीप्लाई किया सर आपने, चार्ज दिया है वन माइक्रो कूलम, दूसरा भी चार्ज दिया माइनस वन माइक्रो कूलम, तो एक माइक्रो कूलम टू कूलम करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 6, दूसरे को करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 6, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो 10 टू द पावर माइनस 12। सो वर्क डन कितना आया रे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एक माइनस आंसर था हमारा, यू इनिशियल वाज माइनस, ये माइनस। सो के इनटू माइनस 12 माइनस ऑफ माइनस के इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व। कितना आ जाएगा ये टू के इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व। के की वैल्यू कितनी होती बाय द वे, यार अब कुछ गलती कर दी यार मैंने। ये देखो यहाँ पे ये टू है ना यू फाइनल में, तो ये गलत हो गया ना यहाँ पे, ये नीचे देखो here I made mistake, ये वाला here it should be two, हटाओ ये यहाँ पे two होना चाहिए। Q1 और Q3 के combination का distance Q1 और Q3 minus one into plus one is minus one और distance कितना है दोनों के बीच में two, so I have to clean up the last for my mistake। U initial ऑलरेडी आ चुका है माइनस के इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व। यू फाइनल इसके अंदर से कितना आ जाएगा, ये पहला ये कितना होगा, दिस इज माइनस के इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व, ये कितना होगा के इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व प्लस ये कितना होगा k into 10 to the power minus 12 with a negative sign divided by 2. So you final में क्या common ले सकते हैं हम, we'll take k into 10 to the power minus 12 common, अंदर क्या बचेगा minus 1 plus 1 minus 1 by 2. So you final is k into 10 to the power minus 12 plus 1 minus 1 गया minus 1 by 2. So you initial minus you final करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल दिस इज यू फाइनल। यू फाइनल कितना है
k into 10 to the power minus 12 into minus 1 by 2. Initial kitna hai? Minus k into 10 to the power minus 12. K into 10 to the power minus 12 common dono mein. Yahan pe minus 1 by 2. 1. Kitna hoga ye? 1 by 2 k into 10 to the power minus 12. K ki value kitni hoti hai? 9 into 10 to the power 9. Into 10 to the power minus 12. कितना जाएगा ये 4.5 into 10 to the power 9 minus 12. 9 minus 12 कितना होता है? 3 ना, minus 3. This is the answer. Work done. Calculation एक बार overview कर लेना, कुछ confusion हो रहा है तो. तरीका वही है, pair लेने के हैं, AL में जितने charges हैं, उनका interaction energy, that is potential energy, और फाइनली जितने भी चार्जेस है उनकी भी पोटेंशियल एनर्जी बाद में दोनों का सब्ट्रैक्शन. सर तुम्हें कल से लेक्चर ची वीडियो अपलोड नहीं केली का? नहीं मी करतो आज. तुम्हाला मागचे सगळे करायचे ना, ते सगळ्यांना थंबनेल कुठेतरी एडिट करावं लागेल. मध्ये आपण बऱ्याचदा गप्पा मारत बसलो होतो तेवढा पोर्शन तो कट करावा लागेल. चलो हो गया है. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. कल एक पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की करेंगे, फिर ये चट्टान खत्म हो जाएगा. फिर वो गॉस लॉ वगैरह हम मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे. मंडे को एग्जाम रहेगी, कल हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे डायपोल की. मंडे की एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, वो शेल स्पीयर वगैरह उन सबकी शीट, सिलेंडर सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉर्क, इलेक्ट्रिक डायपोल का स्टेबल अनस्टेबल की सिचुएशन, सभी चीज आएंगी अभी. चलो तुम्हारा लिखना हो गया तो चले हम अभी यहाँ से निकले. Students, I'm talking to you. Have you written all this thing? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. So, thank you so much for attending the class. Have a nice day. Good afternoon.